आरा शहर के नागरी पिछाणी सभागार में युवा राजद जिला कार्यकारिणी की बैठक मनोनयन पत्र वितरण सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार व संचालन प्रधान सचिव रजनीश यादव ने किया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर कांति सिंह व युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव व प्रभारी अजीत यादव उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री कांति सिंह ने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार ने देश के नौजवान, किसान व युवा को छलने का काम किया है। हमारे नेता तेजस्वी ने पूरे बिहार को विश्वास जीतने का काम किया है। वहीं युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि हमारा देश व प्रदेश युवा किसान प्रधान है। राजेश यादव ने कहा कि भोजपुर के सभी सम्मानित नवनियुक्त पदाधिकारी जिनका मनोनयन पत्र मिला, सभी साथी अपने अपने क्षेत्र में लग जाएं और आगामी 3 मार्च को पटना में आयोजित होने वाले जन विश्वास महारैली को सफल बनाने के लिए सभी लोग प्रखंड में जाकर जनता से मिले और अपने नेता तेजस्वी यादव के 17 माह में दिए गए रोजगार सृजन का संदेश लोगों तक पहुँचाएं। वहीं संयुक्त रूप से प्रदेश प्रभारी अजीत यादव व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव बिहार के विकास पुरुष तेजस्वी यादव जन कल्याण के कार्यों का अपने लोगों तक पहुंचाएं और आगामी 3 मार्च को पटना में होने वाली जन विश्वास महारैली को सफल बनाने में जुट जाएं। संयुक्त रूप से प्रधान महासचिव व कोषाध्यक्ष सोनू राय व रजनीश यादव ने कहा कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव जगदानंद सिंह के कंधे को मजबूत कर आगामी जनविश्वास महारैली को सफल बनाने के लिए अपने क्षेत्र में जाकर अपने नेता के संदेश को पहुंचाना है और वर्तमान मोदी सरकार जो किसान, नौजवान, मजदूर को छला है उसको गांव में जनसंपर्क के माध्यम से बताने का काम करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुकेश यादव, जिला परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह, प्रदेश महासचिव मनोज सिंह, अध्यक्ष बिरबल यादव, प्रदेश महासचिव सह जिला परिषद सदस्य धनंजय यादव, जिला परिषद सदस्य भीम यादव, सोनू रजक, कोषाध्यक्ष सोनू राय, प्रदेश महासचिव मनु यादव, अनुराग पांडे, आरती देवी, श्यामती राय, हीरा ओझा, विनोद चंद्रवंशी, सानराज, भाई मुन्ना यादव, राजगौरव टाइगर, सोहेल खान, सफी कुरैशी, कपिल देव, अकेला रवि, आनंद चुल्लू, अरुण कुमार, जीतू चंद्रवंशी, हरिफन यादव, लालू यादव, सुशील मनन, श्याम बाबू सिंह, जितेंद्र पासवान, तबरेज आलम सहित सभी 9 मनोनीत प्रखंड अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। हम लोग के युवा राजद भोजपुर के कार्यकारिणी की बैठक है। आज जितने भी हमारे पत्रकार भाई आए हैं सभी लोग को मैं युवा राजद के तरफ से और जिला अध्यक्ष के नाते आप सभी लोग को स्वागत करता हूं। और जिला कार्यकारिणी की बैठक 3 मार्च जो जन विश्वास महारैली का जो हमारे नेता द्वारा, महागठबंधन के नेता के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, जो गांधी मैदान भरने की बात हो रही है, उसमें युवा राजद भोजपुर से हर प्रखंड से 14 प्रखंड से हमारे युवा राजद के प्रखंड के अध्यक्ष और जिले के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं युवा राजद के और प्रदेश के, जो हम लोग के बीच में पूर्व मंत्री कांति सिंह, डॉक्टर कांति सिंह आई हैं और हमारे युवा राजद के प्रदेश के अध्यक्ष राजेश यादव जी भी आए हैं, हम लोग के जिला के प्रभारी अजीत यादव जी भी आए हैं और जितने हमारे मंच पर युवा राजद के प्रदेश के सभी पदाधिकारी आए हैं, मजबूती के साथ से यहाँ से जो 3 तारीख को मार्च होगा, जो गांधी मैदान में वो विशाल महारैली को सफल बनाने के लिए और जितने भी भोजपुर में युवा राजद काम किए हैं, चाहे प्रखंड अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष और जिला से, सब लोग को मनोनयन पत्र वितरण समारोह आज था और एक मिसाल के रूप में आने वाले समय में युवा के हाथ बिहार में है। हमारे युवा नेता है जो पूर्व डिप्टी सीएम और विरोधी दल के आज नेता है, हम लोग के बड़े भाई तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किए, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने आह्वान किए कि गरीब गुरबा का उस समय जो 90 के दशक के पहले जो गांधी मैदान में हम लोग को भरने के काम कर रहे हैं, आज जो 3 मार्च को जो जन विशाल महारैली का जो आयोजन किया गया है, वो महागठबंधन के सभी साथियों, सभी नेता, चाहे सीपीएम के हो चाहे कांग्रेस के हो, सभी महागठबंधन के साथी, हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के तहत महारैली का आयोजन किया गया है। इसी के लेकर आज जिला में राजकारिणी की बैठक हुई है। मित्रों, हम लोग का उद्देश्य किया है कि 3 तारीख को पटना शहर को भर दे, गांधी मैदान ही नहीं पटना शहर के चप्पे चप्पे में भर दे, हम उसको भर दे, कहीं जलने का रास्ता न रहे। इसका कारण यह है कि हम बता दें माननीय प्रधानमंत्री महोदय को
दिल्ली से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, यह हमें दर्शाना है। मित्रों, हम सरकार दिल्ली की सरकार को क्यों बताना चाहते हैं कि नाहक कोई ऐसा नहीं है कि हम उन्हें हटाए। दरअसल उस पद पर रहने के योग है नहीं। भाजपा की सरकार अपनी संख्या बल का त्रिशतापूर्वक दुरुपयोग कर रही है और जो कानून के अनुसार काम होना चाहिए वो होने नहीं दे रही है। अब पहली बात ध्यान दें, सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय ने कहा था, प्रधानमंत्री से प्रश्न किया था कि चुनाव आयोग की नियुक्ति जब आप ही करेंगे तो वो आपसे प्रश्न कैसे करेंगे, यानी कि चुनाव ईमानदारी पूर्वक नहीं होगा और इस तरीके का उन्होंने कानून पास कर दिया था। लेकिन भाजपा की सरकार ने अपने संख्या बल का दुष्टापूर्वक दुरुपयोग करते हुए उस नियम को बदल दिया। अब जब मुख्य आयुक्त या आयुक्त की नियुक्ति होगी तो प्रधानमंत्री की इच्छा से कराएंगे। आप लोग ध्यान रखें, कभी पीएम सेशन हुआ करते थे किस तरीके से उन्होंने चुनाव कराया था। मित्रों, भारत की सभी संवैधानिक संस्थाएं अपना कार्य करना छोड़ दिए हैं। संविधान के मूल्यों का पतन हो रहा है, देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिसका उन्होंने वादा करके आए थे उसको पूरा नहीं किए और आज नई नई गारंटियां दे रहे हैं मोदी की गारंटी। आप जानते हैं कि झूठा व्यक्ति ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर के जब जोर जोर से बोलने लगता है तो सच्चे ईमानदार आदमी भी खामोश हो जाते हैं, लेकिन सच्चे ऑपरेटरी से व्यक्ति की खामोशी उस सरकार की उस व्यक्ति की नींव को बुनियाद को हिला देती है। यह हम लोगों ने संकल्प लेना है कि भाजपा की सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। आपने देखा था उस दिन जब 12 फरवरी को पटना में जब संविधान में जब विश्वास प्रस्ताव पर बात हो रही थी तो मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी इसमें बिहार गए थे और हम लोग हमारी पार्टी को छतरा के साथ हराया गया था। वहां हमारे आदरणीय नेता